योगी सरकार प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में गरीबों को बेहतर इलाज देने का दावा करती है, लेकिन हकीकत में सरकारी अस्पतालों में गरीबों से अवैध वसूली की जा रही है। मामला फरुखाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमालगंज का है, जहां अस्पताल कर्मियों ने डिलीवरी के बाद परिजनों से जबरन 1100 रुपए ऐंठ लिए। गर्भवती महिला के पति का कहना है कि वो पत्नी के प्रसव के लिए उधार रुपए लाया था और अस्पताल कर्मियों ने जबरन पैसे ले लिए। बताओ ना, जैसे मिठाई की ना कह रहे थे मिठाई खिला दो, फिर इसके ना 1100 रुपए मांगे, वो उसमें 350 रुपए में दे रहा था, नहीं पैसे ना लौटा दिए। मम्मी ना, मम्मी यही लेटी हुई है, मम्मी दे रही थी तो मम्मी बोली ना कहता था तो आता नहीं, मना कर दिए। तो मैं ना तो 1100 रुपए ना कह रहे, 1100 रुपए ना कित बात गए खर्चा ना, 1 रुपए पर्ची कटती है सरकारी अस्पताल में, फिर ना 1100 रुपए लगते हैं। कितने पैसे ले लिए आपके? कितने पैसे? 1100 रुपए लिए। आप क्या हुआ, आपका लड़का हुआ, लड़की हुआ, क्या हुआ? ना लड़का। कब आए थे आप? अभी आए ना, 2 बजे। 2 बजे आए थे आप, तो आपसे रुपए कितने लिए थे? 1100 ले लिए। तो आपने पूछा ना किस बात पैसे लग रहे जी? ना पूछा हूँ मैं, सबको पूछा हूँ, 1 रुपए पर्ची कटती है सरकारी अस्पताल में, कितना 1100 रुपए किस बात की? ना पूछा हूँ किस बात की जाते हैं। मैं तो ना अभी यहाँ, अभी तो मैं बात कर रहा था। आपने डॉक्टर साहब को बताया आपसे 1100 रुपए लगे? डॉक्टर साहब से शिकायत करी? सबको शिकायत करी, सबसे सबको पता है। वहीं जब गर्भवती महिला के आरोपों पर अस्पताल कर्मियों से सवाल किया गया तो उन्होंने भी कबूल किया कि डिलीवरी के बाद पैसे लिए गए। आप रुपए नहीं लिए क्या? चलो झूठ बोल रहे आपसे। नहीं, आपसे आपने रुपए ये बताओ अपने हाथ में लिए नहीं लिए? जो भी गलती है मैं जितना था मैं उसको दे रहा हूँ। कितना लिया आपने? कितना लिया आपने? हम आपसे पूछ रहे हैं, मेरी बात सुनो आप। 200 तो हम दे देते हैं। मेरी बात सुनो आप, आप हमें सत्यता बताओ क्या पूरा है, किन्ने किन्ने लिए है? कुछ नहीं है, बस मेरे पास 200 रुपए हैं, ठीक है? आंटी तुम बताओ, देओ ना मेरी पूरी, बैठ के बताओ, कोई परेशान मत हो, न्याय बराबर होगा। रिकॉर्ड क्या हमें ये रिकॉर्ड ही तो पूछ रहे, डॉक्टर साहब को दिखाई ना किन्ने किन्ने लिया, आखिर बात तुझे पूरा है, रिकॉर्ड तो करते ही, रिकॉर्ड करना मेरा काम है। कन्या ने लिया 100, कितना? 100 राधा ने लिया, ठीक है, 200 अनीता दीदी ने लिया, 200। अच्छा जी बताओ आप, ठीक हमने आपकी बात मान ली, ये 600 रुपए आशा ने आपके हाथ में दिए? आशा नहीं दे, उनके खुदे मरीज ने उन्हें दिए? नहीं, एक मिनट, मरीज नहीं, आप डराओ रिकॉर्डिंग मत करो। नहीं ये बताओ आपने पैसे, आपने किसके हाथ से दिए पैसे, किसने आपको दिए 600 रुपए? पैसे आपने बांटे है ना, पैसे किसने बांटे हैं? आप ही ने बांटे हैं, देखो आपको बताना पड़ेगा, आप यहाँ नहीं बताओगे अधिकारियों सामने बताओगे आप, तो इससे बड़े आप हमें बता दो ज्यादा बढ़िया रहेगा। पैसे आपने अपने हाथ में लिए ना? उन्होंने खुशी से दिए, मतलब तो खुशी से दिए, तो पूछ लो उन्होंने खुशी से दिया, मेरा लल्ला हुआ पहला बच्चा था, ठीक है, उन्होंने खुशी से दिया, हम उतना जोर जबरदस्ती नहीं किए थे। ये क्या करी थी, 500-650 और दो। लेकिन आशा इतनी हमसे ये कह रही है कि दीदी आप ऐसे बात कर रही हो कि कुछ कह रही, हमने बोला आशा एक भी जांच से नहीं ले आई हूँ, ये बताओ अगर मैं अकेली हूँ, नहीं एक भी स्टाफ नौकर आप जांच नहीं, मैं रेफर कर, तू कहती रेफर न कर दीदी, मतलब अटेंडेंट कह रहा है मेरा बच्चा ये कर लो, हम उसी करेंगे, हमने अच्छा ठीक, मेरी मतलब बात, मेरी बात सुनो, हम जो पूछे बताओ पैसे 600 रुपए आपने अपने हाथ में लिए या नहीं लिए? आप ही ने अपने हाथ में लिए है ना, पैसे डिवाइडेशन आपने किया किसी ने किया है? जो सच्चता वो तो बताओ ना आप हमें, आप रोने सोने काम चलेगा, आप अभी इधर बताने फिर अधिकारी को बताएंगे फिर क्या होगा? जो 600 रुपए लिए गए आप ही ने लिए अपने हाथ में? अब आप बोल रहे हैं इसका मतलब आप चोर हो? चोर थी भाई, उनके ऊपर बाद मुकदमा होगा उनके खिलाफ भी। नहीं, 600 रुपए जो लिए गए मरीज से वो आपने अपने हाथ से लिए, खुशी में दिए गए 600 रुपए, जब खुशी में अगर उन्होंने आपको दिए रुपए तो आपको बांटने की आवश्यकता थी? तो आपने देखा अस्पताल स्टाफ कितनी बेशर्मी से कबूल कर रहा है डिलीवरी के बाद पैसे लिए गए हैं। फिलहाल इस मामले में अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब ऐसे भ्रष्ट कर्मियों पर कार्रवाई होगी जो सरकार के दावों का पलीता करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।